तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, जो डे 3 होने वाला है हमारा। ओके फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले डेटा टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, तो वेरिएबल्स क्या है? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक मेमोरी टाइप है, ये हमारा, ये रो एंड कॉलम्स है जो एक ब्लॉक है, ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेरिएबल्स में क्या होता है, कि वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ डेटा या कोई वैल्यू स्टोर होगी। ओके फ्रेंड्स, डेटा या कुछ वैल्यू स्टोर हो रही होगी हमारे किसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा a इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा एक ब्लॉक है और ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है। जैसे ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, तो जो ये नंबर लिखा हुआ है 1024 2096, ये क्या हमारा इस ब्लॉक का क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा ब्लॉक का एड्रेस है। ओके फ्रेंड्स, ये ब्लॉक का एड्रेस है, आप ए को पूरा एड्रेस समझो, ठीक है। ए डबल डी ले देता हूँ मैं, एड्रेस। ओके फ्रेंड्स, ये ब्लॉक का एड्रेस हो गया। और जो हमारा ये है ए इज इक्वल टू 10, ए हम यहाँ लिख देंगे। ओके, और जो 10 है वो इसके अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ, जो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसका ये एड्रेस हो गया 1024, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ये 10 है, ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। ओके फ्रेंड्स, और ये जो हमारा ए है, ये क्या है, ए, ये इस ब्लॉक का हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है, जिससे कि हम उस चीज़ को बाद में एक्सेस कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं अब हम। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे, तो पहले हम जान लेते हैं डेटा के बारे में, ठीक है। डेटा क्या होता है हमारा, डेटा एक होता है हमारा नंबर जो होगा विद अ डेसिमल पॉइंट, एक होगा नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, और एक होगा हमारा टेक्स्ट डेटा जिसमें हमारा नेम, कैरेक्टर या कुछ भी सिंबल आएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमारे सिंबल्स हो गए लाइक ए बी सी डी इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स का सिक्वेंस मिला के हमारा क्या बनता है, कि नेम बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है हमारा, मैथमेटिक्स में हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर्स होते हैं, जैसे उसमें हमारे होल नंबर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे होल नंबर्स होते हैं, लाइक हमारा होल नंबर जैसे ये है, हमने लिखे हुए -3 -2 -1, ठीक है, एंड 1 2 लाइक दिस, ठीक है। तो इस टाइप के, और ये हमारे होते हैं 12.38 9.8, ओके, इस टाइप के हमारे नंबर हो गए। और ठीक है, जो हमारा टैक्स डेटा होता है, टैक्स डेटा में क्या हो गया, हमारा नेम आ गया, ओके, एड्रेस आ गया, और हमारा कुछ सिंबल, ठीक है। तो नेम का मतलब ये कुछ सिंबल्स मिलके, ठीक है, हमारा क्या बनाता है, कुछ सिंबल्स मिलके एक नेम बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपको ये ए दिख रहा है, ए, ये क्या है, ये हमारा एक सिंबल है। अगर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ए, हमने ए प्रेस करा, हमारा ए कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के पास जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पर हमारा ए जो दिखेगा हमें, वो कंप्यूटर किस फॉर्म में समझता है, कंप्यूटर से समझता है 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स, 0 और 1 की फॉर्म में ही समझेगा इसे। तो ये 0 और 1 क्या है, वॉट इज दिस, ठीक है। 0 और 1 है हमारा क्या है, बाइनरी नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, बाइनरी नंबर्स के बारे में आगे जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता उसको, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में। तो कंप्यूटर क्या है हमारा, कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 और 1, ठीक है, ये ए है, तो कंप्यूटर से बाइनरी नंबर समझ, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में समझेगा, 0 1 0 0 0 1। ओके फ्रेंड्स, कंप्यूटर से 0 1 की फॉर्म में समझेगा। तो कंप्यूटर के पास क्या पहुंचता है, कंप्यूटर के पास पहुंचता है ये नंबर। ओके फ्रेंड्स, कंप्यूटर के पास ये नंबर पहुंचेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी जो वैल्यू है, इस नंबर की वैल्यू 65 है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी नज़र में जो ए है, ए क्या हमारी नज़र में, सिंबल है, बट कंप्यूटर की नज़र में ये क्या है, कंप्यूटर की नज़र में यह है एक नंबर है। ओके फ्रेंड्स,
जब ये कंप्यूटर की नज़र में नंबर है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन का फॉर्मेट ही समझ रहा है। तो कंप्यूटर क्या है, हम सपोज कर सकते हैं सपोज क्या मतलब हम क्या है कंप्यूटर को ना सिक्वेंस, ठीक है, नंबर ऑफ सिक्वेंस ही रिसीव कर रहा है कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू टेन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू टेन, तो ए क्या है, ए इसका एड वो नेम हो गया और टेन क्या है इसके अंदर वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेरिएबल का क्या हो गया, एक नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, ये ए, और इसके अंदर जो वैल्यू है ये हमारी टेन, इसके अंदर क्या है डेटा, हमने इसके अंदर डेटा स्टोर करा दिया ए को, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था ना, जैसे वेरिएबल्स में क्या होता है, जिस टाइप का डेटा होगा, ठीक है, जिस टाइप की वैल्यू होगी उसी टाइप, मतलब वेरिएबल में उसी टाइप की वैल्यू ऐड होगी। जैसे अगर आप दूध लेने जाते हो उसमें डोलची में, तो उसमें लीटर लीटर में आता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी दाल चीनी जिसमें रखते हैं उस टाइप की, जिस टाइप का वो डब्बा है उसमें उसी टाइप की चीज़ें ऐड ऑन होगी, मतलब चीनी का डब्बा है तो चीनी चीनी होगी उसके अंदर, अगर नमक का है तो नमक होगी। जैसे अपने घरों में सामान रखते हैं उस टाइप से, जिस टाइप का डाटा उसमें उस टाइप की ही वैल्यू स्टोर होगी। तो हम कैसे समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे एक और दे रखा एग्जांपल, इंट ए इज इक्वल टू टेन। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दे रखा है इंट ए इज इक्वल टू टेन दे रखा है, तो हमारा ए क्या है, ए हमारा वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड्स, ए हमारा वेरिएबल है, ठीक है। हम इसे कंटेनर समझ सकते हैं, मतलब ए कंटेनर भी है हमारा, जिसके अंदर हमारे क्या हो रहा है सामान स्टोर हो रहा है, कुछ रखा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, मतलब वैल्यू को रखा जा रहा है, ये क्या हमारा कंटेनर। ओके फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर इस टेन को स्टोर करा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इस कंटेनर के अंदर इस टेन को क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। ओके, और ये जो टेन है ये क्या हमारी वैल्यू या डेटा, जो ये टेन है वो हमारा डेटा या वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, और इंट, यहाँ पे जो इंट दे रखा है, इंट का मतलब क्या है, इंट का मतलब है इट कैन स्टोर एंड होल्ड ओनली नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब इंट के अंदर जो भी वैल्यू है डेटा आएगा वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आएगा, इसके अंदर कोई डेसिमल वाला डेटा नहीं आ सकता, एड ऑन नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स इसे आप कंप्यूटर की मेमोरी में समझना चाहते हो तो वो भी समझ सकते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये हमारा 1024 है, ये क्या है एक लोकेशन हो गई, ठीक है, मतलब एक एड्रेस हो गया, और जो हमारा 10 है, ठीक है, ये मान लो ये वही है बिल्कुल सेम टू सेम, और ये जो हमारा 10 है, 10 इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है, ये क्या हमारी डाटा या वैल्यू, और ए है जो हमारा, ये ए है, ठीक है, ए क्या है उस ब्लॉक का नेम, मतलब नेम हो गया उस ब्लॉक का। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो देखते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा 20 प्लस 30 कितने हुए, ठीक है, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग ना लगाओ, अगर सिंपल आप बताओ इसका आंसर, तो इसका आंसर आप बताओगे 50। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर आप बताओगे 50। अगर मैं आपसे पूछू प्रिंस प्लस 30 कितने होते हैं, तो आप नहीं बता सकते इसका आंसर, क्योंकि जब हम प्लस कर रहे हैं तो उसमें दोनों वैल्यू क्या है हमारी नंबर फॉर्म में है, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है हमारी इंटीजर है, बट इसमें क्या है एक टेक्स्ट है और एक नंबर है नीचे वाले में, ठीक है, प्रिंस प्लस 30, तो इसको आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो प्लस है, ठीक है, जो हमारा ऑपरेटर है प्लस, ये क्या है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये डिफाइन जो करता है, प्लस इज डिफाइन ओनली ऑन नंबर, मतलब जो प्लस है वो डिफाइन करता है ओनली ऑन नंबर्स को, ठीक है, मतलब ओनली ऑन नंबर्स को ही प्लस कर सकता है ये ऑपरेटर, ना कि किसी टेक्स्ट फॉर्म को भी प्लस कर देगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंट क्या बताता है, इंट हमें बताता है कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है 20, ये हमारा क्या है वैल्यू या डेटा, तो इंट हमें बता रहा है जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू है फ्रेंड्स, वो हमारी विदाउट डेसिमल पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, वो वैल्यू हमारी कौन सी, विदाउट डेसिमल पॉइंट, बट जो हमारा फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट b इज इक्वल टू 12.38, फ्लोट इसमें क्या बता रहा है, फ्लोट इसमें बता रहा है जो वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है वो हमारी कौन सी वैल्यू है विद अ डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल वैल्यू, जैसे 12.38
V8 हो गया, ओके 9.8 हो गया, एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप की वैल्यू फ्लोट के अंदर स्टोर होती है। और जो हमारा लास्ट बचता है जैसे कैर, कैर ठीक है, ए इज इक्वल टू प्रिंस, अगर मैं स्टोर कराऊं तो इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा कैर है ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही स्टोर होगा, ना कि कोई न्यूमेरिकल, ना कि कोई नंबर वाला डेटा। ओके फ्रेंड्स, अब जब हमने ये दोनों चीज समझ ली ठीक है, इंट और फ्लोट, ये कंप्यूटर कैसे पता लग रहा है कि इसके अंदर हमारा डेसिमल वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, ये हमें बता रहा है इन दोनों की, दोनों चीज का मतलब ये हमें बता रहा है कंपाइलर। ओके फ्रेंड्स, कंपाइलर हमें बता रहा है ठीक है। फिर हम एक और देखते हैं, इंट, इंट ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इंट बी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने एक वैल्यू दे रखी है बट इसमें कोई वैल्यू नहीं है ठीक है इंट बी में, तो ये क्या हो गई, ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई। जो भी हमारी, जैसे हमारा सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा जो लास्ट में हमारा लगा हुआ है ये क्या होता है, हमारा सेमी कोलन। ओके, इसके बिना कोई प्रोग्राम एंड नहीं होगा, अन्यथा हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। अगर हमने कुछ भी अगर मिस किया प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमें क्या शो होगा, एरर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।